पश्चिम बंगाल सह मूड राष्ट्रालो भारतीय जनता पार्टी अधिकारं चेपड़तुंदनी केंद्र होमशाख मंत्री अमित षा धीमा व्यक्तं चेशारु। केरला तमिलनाडुलोनू तम पार्टी की गतं कंटे ओट्ल शातंतो पाटु सीट्ल संख्य पेरुगुतुंदन्नारु। ऐदु राष्ट्राल शासनसभ एन्निकल्लो मुख्यंगा बंगाल्लो भाजपा गेलुपुनकु संबंधिंचिन चाला विषयालनु जातीय चानल्कु इच्चिन मुखामुखिलो अमित षा वेल्लडिंचारु। विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी प्रचार की, तब गृहमंत्री अमित शाह ने यहाँ के विधायकों, सांसदों और जनता को वादा किया था कि हम इस इलाके में हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार करेंगे। उस वादे को वो निभा रहे हैं। इस वक्त अमित शाह जी मौजूद हैं, गृहमंत्री। और अमित भाई, मैंने बांकुरा से आपका सफर देखा, अभी तक काफी 6 महीने का सफर काफी हेक्टिक रहा, क्या माने हम लोग की कुछ सफलता पाई आपने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की समस्याओं को समझने में और बहुत चर्चा विचार कर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका रोड मैप बनाने में सफल रही है। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, बंगाल यूनिट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा संकल्प पत्र बंगाल की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान है, और वो तभी हो सकता है जब कोई पार्टी जनसंपर्क कर उनकी समस्याओं को समझे और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से उसका समाधान क्या हो सकता है इस पर चिंतन करे। तो मुझे लगता है बंगाल यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी लगभग 7 महीने से, और वैसे देखा जाए तो 2017 से बंगाल के हर हिस्से में जाने का प्रयास किया है, और आज परिणाम स्वरूप हम मोदी जी के नेतृत्व में 200 सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित भाई, मेहनत तो आप लोगों ने बहुत की, बीजेपी ने बहुत की, बहुत चिंताएं थी। सबसे जो मुश्किल बाधा थी वो आप क्या मानते हैं यहाँ पर? देखिये, बंगाल यूनिट लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा माना जाता था कि बंगाल में बीजेपी बहुत कमजोर है। ये परसेप्शन को तोड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, मगर मोदी जी के नेतृत्व में हम इसमें सफल हुए, 18 सीटें जीते। 18 सीटें जीतने के बाद हमें ये भरोसा दिलाने में हम सफल रहे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। राजनीतिक हिंसा की भूमि रही है बंगाल, चाहे लेफ्ट रहा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे तृणमूल के राज में देखा है कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है बीजेपी के, राजनीतिक वायलेंस, बम बनाने की फैक्ट्रियां यहां पर। अमित भाई, तो पिछले चुनाव में आपको याद होगा अब काफी बीजेपी वर्कर्स की हत्याएं भी हुई थी पिछले चुनाव के नतीजे आने के बाद, तो क्या बीजेपी सत्ता में आ रही है, कुछ ऐसा आश्वासन देंगे कि बीजेपी आएगी तो हत्याओं का दौर थम जाएगा, बंद हो जाएगा? निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक हिंसा वाला अंतिम चुनाव, इस चुनाव की घोषणा के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 7 कार्यकर्ता मार दिए गए, क्योंकि यहाँ पर पहले कम्युनिस्टों ने और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा को राज्याश्रय दिया है, इसके कारण राजनीतिक हिंसा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में 17 राज्यों में हमारी सरकार है, कहीं विरोधियों की हत्या नहीं हुई। बयान उनका भी आया था कि सीआरपीएफ को घेरो, अब उनको उनके ऊपर 24 घंटे का बैन लग गया है प्रचार का, और अब वो धरने पर बैठ गई है कलकत्ता में। देखिए, ये मैं मानता हूँ कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से बयान दिया, नोटिस जाना स्वाभाविक था, उसमें गलती का एहसास करने की जगह सत्ता का एरोगेंस मुझे तो ज्यादा दिखा जवाब, परंतु ये चुनाव आयोग ने बहुत संयमित फैसला लिया है, सिर्फ 24 घंटे का बैन लगा है। अभी 7 दिन चुनाव, और चुनाव प्रचार कर ही सकती है। अगर चुनाव आयोग इतनी भी सख्ती नहीं करेगा तो नहीं, मैं मानता कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन चुनाव आयोग करा पाएगा। पहले धरना प्रदर्शन करना बीजेपी के खिलाफ, उसके बाद उनके पैर में जख्म लगना, बीजेपी को उसके लिए दोषी ठहराना, अब ये डेमोन्स्ट्रेशन पर बैठना चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ, आपको लगता नहीं वो सिंपैथी एक बटोरने की कोशिश कर रही है बंगाल की जनता का? वो स्टेज मैं मानता हूँ चला गया है, अब सिंपैथी बटोरने से कोई चुनाव बच नहीं पाएगा। बंगाल की जनता इनको बहुत अच्छे तरीके से 10 साल में पहचान चुकी है। तो एक बड़ा एक वेव बनाने का काम होता है, एक लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिसमें बंगाल में काफी ये ओपिनियन फॉर्म करते हैं, फिर से एक बार ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हवा में बातें कर रही है, सिर्फ दिल्ली से नेता आ रहे हैं। चलिए, अब दो तारीख कहां दूर है, आप मेरे साथ ही लोगों का जो हुजूम देखा है आपने, मैं नहीं मानता ये हवाई बात है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, मतदाता है जो भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन करें। अमित भाई, मटुआ समाज है यहाँ पर, राजवंशी समाज है, दलित है, आदिवासियों के साथ खाना खाया, लेकिन ममता दीदी हर किसी के लिए कुछ न कुछ सोप्स अनाउंस करती चली गई, तो लगता है इन वोटों के लिए अब कांटे की टक्कर है, या ये पूरे के पूरे बीजेपी के पास आ चुके हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि हमने उनको उनका संपर्क करके उनकी समस्या को जाना, और हमारे संकल्प पत्र में उनकी समस्याओं के निराकरण को
उनके सामने रखने का सफल प्रयास किया। नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का प्रादुर्भाव किया है देश की राजनीति के अंदर, कि जो बोलते हैं वो करते हैं। पहले नेता भाषण देते थे, कभी होता नहीं था। सिलीगुड़ी में उत्तरी बंगाल का इलाका नेग्लेक्टेड रहा है, इसके लिए आपने काफी ऐलान किया। ये जो गोरखा जहाँ पे बहुत आयत में है, इस बंगाल को लगातार नेग्लेक्ट किया गया सक्सेसिव गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तर बंग को जितना अन्याय हुआ, उत्तर बंग, जंगल महल और सुंदरवन, ये तीनों बहुत निग्लेक्टेड एरिया रहे। और मैं मानता हूँ किसी भी राज्य का विकास सम विकास होना चाहिए। और हमने जो सारे वादे किए हैं बंगाल की जनता को, उत्तर बंगाल की जनता को, वो भारत सरकार की स्कीमें जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई वो बताई है। और मुझे लगता है कि ये अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो डबल इंजन सरकार निश्चित रूप से उत्तर बंग को अच्छे तरीके से विकास करेगी, पूरे बंगाल का अच्छे से विकास करेगी। इसी में एक लोकल फैक्ट्री, लोकल कार्ड खेलने का काम किया है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने, कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित भाई शाह को ही सारी कमान संभालनी पड़ रही है। चलिए अब देखिए बंगाल की जनता क्या कहती है। स्वाभाविक रूप से मेरी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ प्रचार करने आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। असम में एक राय बनाई जा रही है कि आप लोगों का बहुमत तो आएगा लेकिन सीटें कम हो रही है, क्योंकि महाजोड़ जो बना है वो आप लोगों को नुकसान कर रहा है। देखिए असम में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इससे मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी तक केरल में कार्यकर्ताओं ने काफी संघर्ष किया और केरल में आप लोगों के भी काफी दौरे हुए, एक कौन बाजी मारेगा वहां पर कह नहीं सकते, मगर हम हर स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेगी। चार राज्यों में चुनाव है तो हम माने 3-2 का स्कोर रहेगा इस बार। नहीं देखिए, ये तीन राज्य तो हम निश्चित जीतेंगे, बंगाल, असम और पांडिचेरी। केरल में हम हमारी स्थिति सुधारेंगे। मैं मानता हूं कि एनडीए तमिलनाडु में भी अच्छा करेगा।